दोस्तों, अगर आप भी अपने पोर्टुलाका प्लांट के अंदर सैकड़ों फूल चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, गारंटेड। इस वीडियो में हमने आगे कुछ इस एक से टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई है, आप सैकड़ों फूल ले सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इन प्लांट्स को लगाए हुए हमें 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन के बाद इनमें अच्छे खासी ग्रोथ भी आ जाती है और जो ऊपर बर्ड होते हैं वो भी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये पूरा गमला जो है, ये जो पॉट है, पूरा फूलों से भर जाए। ज़्यादा फूल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, अपने दिल पर पत्थर रख करके ये जो जितने भी बर्ड निकल के आए हुए हैं इनको हटाना होगा। जब आप इनको हटा देंगे, ये जो फूल इतने प्यारे सुंदर से हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको जब आप हटा देंगे तो नीचे से हर एक स्टेम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेम के अंदर 4 और नई ब्रांचेस निकल के आई हुई है। अगर आप इस स्टेम को हटाते हैं तो ये एनर्जी इन ब्रांचेस को मिलेंगी, जिससे इनमें और ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स बनेंगे, फूल निकल के आएंगे। तो हमें जो भी 4-4, 5-5 ये ऊपर जो नज़र आ रहे हैं या 2-2 बर्ड नज़र आ रहे हैं, इनको हटाना होता है। इनको हटाने के बाद फिर हम इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इनको जो नीचे यहाँ पे ब्रांचेस नहीं निकल के आ रही है, इनको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ताकत मिलेगी और ये अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इनके जो लीव है वो भी खुल करके आएंगे और जो नए बर्ड आएंगे, नए फूल आएंगे, उनका कलर, उनकी रंगत वो और भी ज़्यादा निखर करके आएंगी और ज़्यादा क्वांटिटी में फूलों से ये पूरा का पूरा गमला भर जाएगा। जहाँ पर हमें 10 फूल मिलेंगे वहाँ पर ये हमें गमला 50 फूल दे पाएगा। तो ऐसा हम क्या करेंगे इसके साथ आज वो देखते हैं। तो ये जितने भी ऊपर के बर्ड्स है, ये जो ओल्ड ब्रांचेस है, इनको हम कट कर लेंगे। दोस्तों, कट करने के बाद अब हम इनमें एक फर्टिलाइजर ऐड करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है DAP के ग्रेन्यूल्स। DAP दानेदार फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पर हमने DAP लिया और DAP का अलग अलग कलर्स आता है, ब्राउन आता है, वाइट आता है, ब्लैक आता है। DAP होना चाहिए। DAP का काम है पौधे को ऑक्सीजन देना, पौधे की जो रूट्स होती है उनको ऑक्सीजन देता है, पौधे की रूट्स के अंदर बढ़ोतरी करता है, जिससे पौधा और अच्छे से ऊपर से भी बढ़ता है, उनके लीव, उनके पत्ते और ज़्यादा स्टेम निकाल पाता है। तो DAP पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो हमने यहाँ पर कुछ 8-10 दाने लिए हुए हैं DAP के। ये हम एक इस छोटे से ग्लास में डाल देते हैं। एक और चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है, वो दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है यूरिया। यूरिया इस एक से वाइट फॉर्म में होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, बड़े दाने होते हैं। यूरिया का काम होता है पौधे की जो स्टैम्प है उनको तेज़ी से बढ़ाना। नाइट्रोजन देता है पौधे को, नाइट्रोजन से पौधा तेज़ी से बढ़ता है, उनकी पत्तियां बढ़ती है, उनकी जहां पर नहीं ग्रोथ होती है वहां पे भी वो ग्रो कर पाता है, फुटाव कर पाता है तेज़ी से। तो यूरिया और DAP का इतना आपको हिस्सा हर हफ्ते में एक बार देना है, एवरी संडे को। अगर हम 2 संडे पर ये डालते हैं, उसके बाद हम दूसरा जो फर्टिलाइज़र डालेंगे जिससे हमारे पौधे के अंदर बहुत सारी कलियाँ आना शुरू होंगी। तो इस ग्लास के अंदर हम यूरिया के भी ये कुछ दाने ऐड कर देते हैं।
अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इनको हम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे डीएपी जो है डिसॉल्व हो जाए। डीएपी के जो ग्रेनुल्स होते हैं वो डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, जबकि यूरिया जो है वो पानी डालते ही डिसॉल्व हो जाता है। तो यूरिया यहाँ पे गल चुका है, डीएपी के अभी भी ग्रेनुल्स पड़े हुए हैं। जैसे ही ये ग्रेनुल्स इसके अंदर घुल जाएंगे, तो आपको इस पानी को डबल करके, जितना पानी एक गिलास ये है, एक गिलास और इसमें ऐड करके इस पूरे पानी को आपको डाल देना है अपने गमले के अंदर। और ये हर संडे को करना है। जैसे आज संडे है, हम ये काम आज कर रहे हैं, और आज से ठीक 7 से 8 दिन बाद जो दूसरा संडे आएगा उस पर भी हमें यही काम करना होगा। 2 संडे हम इस एक से ये फर्टिलाइज़र देंगे, जो हमारे नए पौधे हमने जो अभी लगाए हुए हैं, 20 दिन हो चुके हैं उन पौधों को, उसके अंदर अगर ये फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं तो पौधों की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से डेवलप होंगी, पौधा बढ़ेगा। यूरिया क्या करेगा, उसे नाइट्रोजन देगा, जिससे पौधे की स्टेम्स बढ़ेंगी, ज़्यादा स्टेम्स निकल के आएंगी। दो आपको ये आपको फर्टिलाइज़र हर संडे संडे को देने होते हैं। जैसे ही तीसरा संडे आएगा, तो तीसरे संडे को आपको फर्टिलाइज़र चेंज करना होता है। वो फर्टिलाइज़र आप रेड पोटाश थोड़ा सा यूज़ करें, आधे चम्मच से भी बिल्कुल कम, चौथाई हिस्सा आपको यूज़ करना, एक चम्मच का चौथाई हिस्सा रेड पोटाश। अगर रेड पोटाश आपको नहीं मिलता है तो एनपीके 0050 आपको ऐड करना होता है। एनपीके 0050 अगर आप चौथाई हिस्सा इस चम्मच का आप यूज़ करते हैं हर संडे को, 2 संडे आपको वो देना होगा, जिससे आपका पौधा यूरिया और डीएपी से अच्छे से रूट्स और स्टेम्स को डेवलप कर पाएगा। और 15 दिन के बाद उस पौधे को फूलों पर जाना होता है, तो फूलों के लिए वो नई कलियां निकालेगा, तो कलियों के बूस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, पोटाश देंगे। अगर हम हर संडे को पोटाश देते हैं, 2 संडे या 3 संडे आप पोटाश देंगे, तो पूरा गमला जो है आपका, इस एक से जो आपका पूरा गमला है ये फूलों से भर जाएगा। जहाँ पर 10 फूल आपको मिल रहे थे इस एक गमले के अंदर, वहाँ पे 50 फूल आपको मिलेंगे गारंटेड। तो ये तरीका जो हम आज कर रहे हैं, ये तरीका आप भी अपने पौधों के साथ करें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ऐसा नहीं कि आपने 10 दानों की जगह डीएपी के 20 दाने डाल दिए, डबल कर दिया, तो ये पौधे मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, तेज़ होता है, तेज़ होने के कारण इन पौधों को वो जला देगा। तो हमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में लेना होता है। 10 इंच का पोट है तो 10 दाने डीएपी के। तो इस तरीके से दोस्तों आप अगर करेंगे तो आपका जो पौधा है, गर्मियों के जितने भी फूल है, वो बहुत अच्छे से फल और फूल पाएंगे, अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। आप 50 रुपये का पौधा लेके आते हैं, गमले में लगाते हैं, बगैर फर्टिलाइज़र के वो फूल नहीं देता। तो हम जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र फूलों पर प्रयोग करते रहेंगे, उतना ज़्यादा हमें वो फूल देगा। आपको ध्यान देना है कि सिर्फ फूलों के ऊपर इन फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है, बाकी जो सब्जियों के पौधे हो, फलों के पौधे हो, उनके ऊपर इन फर्टिलाइज़र को कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। फूलों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सब्जियों के फलों के लिए कभी भी आपको यूज़ नहीं करना होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये आपका घोल रेडी हो जाए, आपको इस घोल को ऐसे किसी बर्तन में डाल देना है और एक गिलास दूसरा आपको उसमें पानी का डाल देना है, जिससे ये काफ़ी पतला हो जाएगा, गाढ़ा नहीं देना है आपको। अब जो ये पानी हमने बनाया हुआ है, इस पानी को हम इस पौधों के अंदर इस एक से डाल देंगे। जो हमने फर्टिलाइज़र का पानी बनाया हुआ था वो हमने इस पौधे के अंदर डाल दिया है। अब ये
15 दिन के अंदर इन्हीं का जो रिज़ल्ट है वो इतना गज़ब का होगा कि आज संडे है, अगले संडे तक आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। और यही प्रोसीजर आप अगले संडे को करेंगे तो 15 दिन तक ये पूरा घमला सिर्फ इन छोटे छोटे स्टैम्प से भर जाएगा। और उसके बाद इनमें जब इस एक से ऊपर फूल लगने शुरू हो जाए छोटे छोटे, तब आपको इनमें रेड पोटाश का जो चम्मच है उसका चौथा हिस्सा इस एक से घोल बना के देना होगा। अगर रेड पोटाश आपको नहीं मिलता है तो आपको NPK 0050 का एक चम्मच का चौथा हिस्सा घोल बना के इसमें डालना होगा। तो जैसे ही जो पूरे के पूरे स्टेम्स इस तरह से निकल कर के आएंगे, उनमें सब में बर्ड लगना शुरू हो जाएंगे। और ये आपको कम से कम प्रयोग एक महीने तक मेहनत करनी होगी। एक महीने के बाद ये 4 से 5 महीने तक आपको फुल फ्लावरिंग देगा, पूरा गमला आपके सैकड़ों फूल आपको देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने गार्डन में इन पौधों को जो ऐड किया हुआ है पोर्टुलाका के, इनके ऊपर काम करें और अपने पूरे गार्डन को फूलों से भर दे। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।